आइए शुरू करते हैं। सच्चिदानंद वीरानंद वात्सायन आगे के द्वारा लिखा गया कहानी जिसका शीर्षक है रोज। शीर्षक क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे के द्वारा लिखा गया कहानी है जिसका नाम क्या है? और यह कहानी 1934 ईस्वी में गैगरीन शीर्षक में क्या हुई थी, पहली बार छपी थी। और गैगरीन है क्या? तो गैगरीन एक प्रकार का घाव होता है जो कांटा के चुभ जाने के कारण हो जाता है। पैर में या शरीर के किसी अंग में अगर कोई कांटा चुभ गया, उस कांटा के चुभ जाने के कारण जो एक घाव हो जाता है, उसी घाव को कहते हैं हम गैगरीन कहते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उसको पकोए कहा जाता है। अब पुराना हो गया तो खोराठी बात समझ गए। उसी गैगरीन के बारे में शीर्षक से छपा था, लेकिन आज इसका नाम पड़ गया रोज। रोज शीर्षक कहानी आत्मकथ्य शैली में, मतलब आत्मकथा की शैली में लिखा गया है। इस कहानी के मुख्य पात्र माहेश्वर, जो पेशे से डॉक्टर थे, और एक अभिनेत्री है, नायिका है, उसका नाम है मालती। उसका एक छोटा सा बच्चा होता है, लोग प्यार से टीटी नाम से पुकारता है, और उसके एक कवि स्वयं होते हैं। चार को पात्र है, एक कवि स्वयं है, दूसरा है माहेश्वर, तीसरी है मालती, और चौथा एक शिशु है टीटी। मतलब मालती और महेश्वर के शिशु का नाम क्या था? टीटी। मालती क्या थे? एक गृहिणी महिला जो रोज कहानी की नायिका है, और महेश्वर क्या थे? एक डॉक्टर, गलत से सरकारी डॉक्टर थे। अगेय जिनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के कसिया नामक गांव में हुआ। अगेय का जन्म 7 मार्च 1911 उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला के कसिया नामक गांव में हुआ था, और इनका निधन मतलब मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुई। 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हुआ। इनका मूल निवास पंजाब के करतारपुर में था। मूल निवास कहाँ था? पंजाब के करतारपुर में इनका मूल निवास था। इनके माता का नाम बयंती देवी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। माता का नाम बयंती देवी और पिता का नाम क्या था? हीरानंद शास्त्री था। आप लोग खाली कीजिए। इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए की शिक्षा प्राप्त किया। इन्होंने अंग्रेजी विषय से एमए की शिक्षा प्राप्त किया था, और ये संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और तमिल भाषा के भी विद्वान थे। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और तमिल भाषा के क्या थे? ये विद्वान थे। अभिरुचि की बात कर दे तो बागवानी, पर्यटन और अध्ययन, मतलब पेड़ पौधा लगाने में, घूमने फिरने में और कहानी लिखने में इनको बहुत ज्यादा मन लगता था, रुचि थी। इन्होंने यूरोप महादेश के, एशिया महादेश के और अमेरिका महादेश, अमेरिका की यात्रा किया था घूमने के लिए। इन्होंने बहुत सारे कहानी, नाटक, उपन्यास लिखा। इनको लिखने के कारण इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मतलब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार भी मिला है। ये कवि के रूप में इनको कई प्रकार के सम्मान मिला था। मैंने कहा तुम उनका कल भेज देंगे, आज नहीं मिलेगा, नहीं हुआ, छूट गया था। इनकी पहली रचना जिसका नाम था इंद्रसभा, पहली रचना, इनकी पहली रचना का नाम क्या है? इंद्रसभा। और इंद्रसभा एक प्रकार का क्या है? नाटक है।
इंद्रसभा क्या है? एक प्रकार का नाटक है जो बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लिखा था। इन्होंने कुछ कहानी लिखी है, बहुत लिखी, लेकिन मैंने कुछ का नाम लिखा इंद्रसभा तो नाटक है, पिट्ठगा, जयदोल, छोरा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडी, अगे के द्वारा लिखा गया प्रमुख कहानी है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, उत्तर प्रियदर्शी और इंद्रसभा नाटक है, आंगन के बार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा, ये कविता क्या है? कविता संग्रह। हमने कहा इन्होंने अनेक सारे कविता, कहानी और नाटकों की क्या किया है, रचना किया है, लिखा है। आज हम लोग इनके द्वारा लिखा गया एक कहानी को पढ़ेंगे। कहीं बैठो नहीं तो लेट आई, हम फॉरेनों में छोड़ देंगे। खड़े रहो, नहीं बैठे छो, हमने कहा सच्चिदानंद हीरानंद वासायन आगे कौन थे, उनका परिचय क्या था, उनकी पहचान क्या थी, उन्होंने कौन कौन से नाटक, कौन कौन से कहानी, कौन कौन सी कविता लिखते समय बताया। आज जो हम लोग कहानी पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? रोज। और रोज ये जो कहानी है पहले जिस किताब में छपा था उस शीर्षक से, उसका नाम था गैगरीन। हमने पहले ही कहा गैगरीन क्या है, तो गैगरीन एक प्रकार का घाव होता है। गैगरीन क्या है? एक प्रकार का जो कांटा या कंकर पत्थर के चुभ जाने से होता है। प्रारंभ में इलाज कर लो तो आपका ठीक हो जाएगा, अगर देर होगा तो हाथ पैर कटवाना पड़ेगा, जहां चुभा अंग कटवाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत होती है, कभी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे लिखते हैं कि अचानक एक आंगन में एक दरवाजा को हमने क्या किया, नॉक किया, खटखटाया के दरवाजा को, दरवाजा खटखटाया, एक महिला गेट को क्या करती है, खोलती है, और महिला गेट को खोलती है और खोलकर हमसे बात की नहीं, गेट खोल दिया आगे की ओर बढ़ गई, हम वगैरह पीछे भी जुगरा घर में। वो महिला कोई और नहीं, लेखक की मुंह बोली बहन, उसके बचपन की प्रिय दोस्त मालती थी। तो इस रोज कहानी की क्या है? नायिका है। उसके घर में मैं प्रवेश किया, चारपाई लगा था, हम बिना कहे उस पर क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। हम उसके घर लगभग पहाड़ी इलाका में था, आने जाने के लिए कोई वाहन की सुविधा नहीं थी, तो 18 मील लगभग पैदल दूरी तय करके आए थे उसके घर। घर पहुंचे लेकिन मेरा हाल चाल वो, क्योंकि बचपन का अच्छा दोस्त थी हमारा, वो बचपन में उसके साथ पढ़े थे, खेले थे, लड़े थे। हम पढ़ाई करने के लिए शहर चल गए, वो गांव में ही रह गई, लेकिन हमसे कोई मेरा हाल चाल भी वो नहीं पूछा। गर्मी देकर बिना कहे पंखा लाई और मेरे ऊपर क्या करना शुरू कर दी, झेलना शुरू कर दी, पंखा को डोलाना शुरू कर दी, पंखा झेलने लगी। इस खेलने के क्रम में यह पता चला, पंखा को झेलने के क्रम में क्या हुआ, उससे हालचाल पूछे कि वो नहीं है, तो भारतीय महिला ये बात को जानती है कि वो का मतलब पति के बारे में पूछ रहा है। इसने तुरंत कही कि नहीं, वो डिस्पेंसरी में गए। कहां गए हैं? डिस्पेंसरी मतलब छोटा सा सरकारी अस्पताल जहां छोटे मोटे रोग का इलाज किया जाता है, वहां पर गए। कभी उससे कहीं मिले उले नहीं थे। पूछते हैं कि उनका टाइमिंग क्या है आने जाने का, तो टाइमिंग सुबह 7 बजे ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं, दोपहर में 1:30 बजे के आसपास लंच करने आते हैं, अगर मरीज रहा तो दोबारा गए, नहीं तो ना भी गए, लेकिन शाम में का चक्कर अगर मरीज सीरियस है तो लगाना पड़ता है। लेकिन कभी कहते हैं
कि उसके घर में जैसे ही हमने पहली बार कदम रखा तो उसके लगता कि उसके घर में कोनो काला भूत प्रेत छाया मंडरा रहा है, क्योंकि घर में कोई रौनकता नहीं, कोई कोलाहलपूर्ण वातावरण नहीं। घर में उदासी का क्या था माहौल था, जीवन एकदम क्या था शांत था, वीरान लग रहा था जीवन उस घर में। कभी पंखा डोला रही थी, कभी ने कई बार कहा कि लाओ ना, तो दुबली पतली अपने पंखा डोलाते थे कहीं डोल ना गई, हम ही बोला हम यहाँ के लेते नहीं, नहीं नहीं हमको ठीक है, पंखा आपको झेल देते। अचानक एक बच्चा के रोने की आवाज आई, जोर जोर से रो रहा था, पंखा को हमारे खाट पर क्या कर देती है, रख देती है, अपने बच्चों को लेने चल जाती है, लेके आती है तो कभी कभी हमने पूछा है नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, कहते है नाम तो कुछ रखे नहीं है लेकिन हम लोग प्यार से टीटी कहकर बुलाते हैं। इसी समय पुनः गेट नौ करता है, कूली जो इनका सामान लेके आ रहा था, कूली घर में पहुंचता है, उसको पैसा देते हैं, कुली को मुक्त करते हैं वहां से। कभी सोचे कि हम इसको अपने गोद में रखे खिलाते हैं, टीटी को कभी ने गोद में रखा, लेकिन इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई हीरा खमरा सुना है वाला, डर गया। पहली बार देखा बच्चा छोटा था, क्या होता है डर जाता है। कभी बार बार बात कर रहे हैं लेकिन कभी के मन में दो प्रकार के दुख है, कि पहला कि बचपन से हम लोग साथ रहे लेकिन हम आए तो मेरा हाल चाल नहीं पूछी, अपने मम्मी का, अपने पापा का, अपने दादा किसी का हाल चाल नहीं पूछी, मेरा भी ख्याल नहीं पूछा आप कैसे आए हो, क्यों आए हो, कुछ नहीं पूछा। जबकि नॉर्मली है कि कोई लड़की जब विवाह हो जाता है अपने ससुराल जाती है और मैके का कोई लोग आता है तो अपने अगल बगल के पूरे मोहल्ला टोला के सभी लोगों का हाल चाल जानने की कोशिश करती है, वो कैसे है, लेकिन इसमें ऐसी कोई चंचलता नहीं, लेकिन बचपन में इतनी बावली चंचल जिसका हिसाब नहीं है, और आज क्या हो गई इतनी शांत हो गई कि कहां ही नहीं जा सकता है। अंत में डेढ़ बजता है, अचानक गेट नॉक होता है, गेट नॉक होता क्या है कि डेढ़ बजे तक कि गेट पर खड़ा था, को आवे का टाइम हो गया, गेट को खोलती है, महेश्वर घर में पहुंचते हैं। कवि की पहली बार उससे शिष्टाचार पूर्वक मुलाकात होती है क्योंकि कवि पहली बार उसको देखे थे, एक दूसरे को हाल चाल जाना, दोनों आदमी बैठे, लंच का टाइम था, दोनों ने क्या किया साथ में लंच किया। कहते हैं हमको तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले, तो कुछ विशेष ले आते, हम लोग डेली ऐसे ही खाते आप अतिथि हैं, क्योंकि लेखक कवि मालती के घर क्या बनकर गए थे, अतिथि, भले ही रिश्ता में भाई था लेकिन क्या बनकर गए थे, खाना पीना खाने को थोड़ा वार्तालाप हुई, थोड़ा सा रेस्ट लिया, रेस्ट लेने के बाद कहा कि नहीं आज हमको जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे अस्पताल में बहुत डॉक्टर मरीज आएगा, दो मरीज क्या है सीरियस है, देर हो जाएगी, कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी लौटूं। तो पूछा आप कौन चीज का डॉक्टर हो, किस चीज का डॉक्टर है, महेश्वर कहते हैं कि हम छोटे से डॉक्टर है, छोटा सा ओटीपी डिस्पेंसरी है, मतलब डिस्पेंसरी छोटा सा अस्पताल है उसका डॉक्टर है। यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को दूसरा बीमारी घाव हो जाता है, घाव को हम लोग एग्रीन कहते हैं, प्रारंभ में इलाज हो गया तो ठीक, घाव होता किसे, कहा कि लोग नंगे पांव चलता, गरीबी ज्यादा है, पैर में जूता चप्पल नहीं है, नंगे पांव चलता है, कभी कंकर चुभ जाता है, कभी पत्थर उसके पैर में आ जाता है, वही पत्थर जब निकल नहीं पाता तो मांस को सराकर घाव बना देता है, बहुत को ठीक होता है, कई बार तो नहीं ठीक हुआ तो हाथ बुर काट देना पड़ता है, जिंदा रहना तो पैर तो कटना पड़ेगा, ये तो कैंसर हो जाएगा। मालती इसी पर टंट मार देती है, इस डॉक्टर ही कौन फायदा, लोग डॉक्टर के पास ठीक होने के लिए टांगे काट देता है। महेश्वर थोड़ा मुस्कुराते हैं और अस्पताल की ओर चल पड़ते हैं। आने का टाइम होता है, समय पर आ जाते, लेकिन कभी एक बार देखते हैं कि मालती जब भी हमसे बात करती है तो घड़ी के सुई पर जरूर देखती है, उसका निगाह कहां होता है, घड़ी पर होता है। क्यों भाई, तो घड़ी पर निगाह इसलिए होता है कि उसका जीवन घड़ी के घंटा की तरह टाइम पास हो रहा है, उसका उसका टाइम कट ही नहीं रहा है। कभी ने पूछा अकेले सब काम कर लेते, हाँ कर लेते, तो नौकर क्यों नहीं रखती हो, तभी नया जो आया है नहीं है, घर में टेलीविजन भी
नहीं था क्योंकि बढ़िया सभी एडजस्ट नहीं हुए, मतलब घर में मनोरंजन का भी कोई साधन नहीं था कि इसका दिन कट सके। चेहरा उदास मायूस लग रहा था, किसी पुराने ख्यालों में ये लड़की क्या है, कोई डूबी हुई है, न सोच रही है न समझ पा रही है, सीधे एक मशीन की तरह काम करते जा रही है। इसका जीवन पूर्णतः एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह हो गया है, जो महेश्वर कमांड भर देते हैं, इस समय ये बनाना, इस समय ये बनाना, इस समय ये करना है, इस समय झाड़ू लगाना, इस समय गेट तोड़ना, गेट पकड़ा ना आएंगे तो गेट खोलना है। पति भी इसके पास टाइम ज्यादा देते हैं, पागलपन करी जन इसका ही हो गया है। कहता खाएगा चल के अस्पताल में, और नहीं हो गया था किताब लेके, किताब का कीड़ा बना हुआ, हालांकि उसकी भी मजबूरी थी, पड़ेगा नहीं तो उपचार कैसे करेगा। शाम का समय होता है, महेश्वर आते हैं कुछ सब्जी वगैरह लेकर के, मालती सही वार्तालाप करती रहती, अचानक टप 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 किचन में बजना शुरू होता है, तो समझा कि पानी आ गई। कब कहते अभी टप टप बजा, तो हाँ यहाँ पानियों का आने का टाइम नहीं, पानी के आने का भी टाइम है, सुबह 5 से लेकर 9 बजे तक, पुनः 12:30 से लेकर 2 बजे तक, और साथ में 7 से लेकर 9 बजे तक। अब बीच में अगर लगा तो भर के रख लो, नहीं लगा तो बुआ से मारो, पड़ोसी रहेगा तो देगा। हाँ पहाड़ी इलाका में दूर दूर घर होता है ना, एक खेत बस्तियां होती है। शाम का समय होता है, कई दोनों अपने आंगन के बगल में बरामदा पर वार्तालाप पर बैठ जाते हैं, देखिए वो पलंग नहीं है, गुरु में खींच के लाते हैं कि आप नीचा के ना सोइएगा। दोनों वार्तालाप करने लगते हैं, मालती क्या करती है, अकेला बच्चा को भी संभालती है, बर्तन को भी क्या करती है, मलती है। कभी इस दृश्य को देखकर बड़ा दुखी होते हैं, डॉक्टर है तो क्या हुआ, घरेलू कामकाज में थोड़ा तो हेल्प करना ही चाहिए। महेश्वर कुछ भी नहीं करता है, उसकी पत्नी घर की सारा कामकाज को आसानी से करती जा रही है। गलत की सही, चुपचाप वो क्या कर रहा है, हाँ कर रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा गिर रहा है। अच्छा बच्चा गिरता है तो उल्टे महेश्वर मालती को क्या कर रहा है, डांट रहा है, तो बच्चा को भी नहीं संभाल सकती है। तब कितने खराब क्या बना रही है, खाना पका रही है, भोजन पका लेते, खाना का टाइम हो जाता है, वो आती परमिशन लेते कि खाना लगाओ, कभी कहते हैं महेश्वर का उत्तर आता हाँ टाइम तो हो गया लगाओ खाना, लेकिन फिर महेश्वर कहते अरे सुनो आम लाए हैं, क्या लाए हैं, पेपर में लपटा हुआ जो आम है उसको मैं आम को भी क्या कर दो, काट को रख देना थाली में। मालती कौन कहा, महेश्वर लेके आए थे ना, ऐसा होता तो ऐसा होता तो महेश्वर क्यों बोला, क्या जी महेश्वर लेके आए थे, उसके पति लेके आए थे, क्या अतिथि हमारे घर आए हैं तो कुछ एक आधो ज्यादा आइटम हो जाए। अब किसने क्या पढ़ा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमें किताब में यही पढ़ा है कि महेश्वर आम लेकर आया था। अरे बेवकूफ 1 बजे मिलकर नहीं गया था, शाम वाला खाना मैंने बोला होगा काट देना। हमने कहा कि महेश्वर कहते हैं, मालती जाती है उस आम को उठाती है, पेपर को बाहर निकालती है, लेकिन पेपर जैसे ही निकाली तो आम को रख दी टेबल पर और पेपर को लगती है। इस दृश्य को देखकर कवि के मन में पुरानी बात याद आ जाती है, क्योंकि तो मालती जो थी पढ़ने में बहुत गोबर गणेश, मैंने गोबर गणेश मैंने महाचौपट, जितना उसे बात बनवा लो, इधर उधर का काम करवा लो, नटखट बहुत ज्यादा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बेहद कमजोर, इतनी कमजोर थी कि केना पास करती थी तो ऊपरे वाला जाने। पिताजी को इसके खेलने उलने के स्वभाव का बड़ा क्रोध आया, एक दिन वो किताब खरीद के लाया, जो पढ़ना था नहीं सर 20 दिया जो एक किताब लेके आए, 10 को पन्ना मतलब 20 को पेज हुआ, किताब लेके आए, अरे मालती सुनो इधर किताब में जितना पन्ना है हर दिन एक एक पन्ना, पेज नहीं पन्ना मैंने दो तरफ के याद करो, मैं आज के 10वें दिन बाद तुमसे क्या करूंगा, आऊंगा प्रश्न करूंगा, अगर एको गलती बोली तो पीठ पर के चमड़ी उखाड़ देंगे तुम्हारा।
पिताजी के धमकी भरे बातों को सुनकर मासी तो और सुस्कारी भरना शुरू कर दी, पापा जी तो पिटवे करते ही मैं सुना। लेकिन कितनों कोशिश करती थी पढ़ाई में इसको याद होता होता नहीं था। अंत में उपाय लगा लिया आप लोगों की तरफ से यार, पहले का दिन पहले का पन्ना फाड़ के फेंक दी, दूसरा का दिन दूसरे का पन्ना फाड़ के फेंक दी, तीसरा का दिन तीसरा पन्ना फाड़ कर क्या करती है फेंक देती है। जो पिताजी के सुनने के बाद सब पन्ना पिताजी को याद था कि इसको हम किताब दिए हुए हैं, उचित समय पर आए माल तो सुनाओ लाइन से पढ़ना, किताब लाओ हम सुनेंगे, तो किताब रहेगा तब ना सुनेंगे। रोते हुए कहने लगे पिताजी हमने फाड़ के फेंक दिया, हम पढ़ेंगे उड़ेंगे, हमारा पढ़ने में मन लगता होता कभी कोई इसी बात का दुख है। तो लड़की किताब देकर किताब को फाड़ दे, पेपर को पढ़ने को मजबूर है, मतलब सोच रही है, कभी सोच रहे हैं कि काश इसको पढ़ाई का महत्व पता, घर में इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि आज इसको पढ़ाई का महत्व इम्पोर्टेंस क्या होता है। जल्दी जल्दी खाना लगाती है, खाना लगा के दो थाली में खाना लगाती है, एक थाली महेश्वर के सामने, एक तरी आगे कवि के सामने लाते हैं। कवि प्रश्न कर दे तुम्हारा थाली नहीं है क्या, तुम नहीं खाओगे? मालती के बोलने से पहले महेश्वर ही बोल देते हैं कि ये अक्सर हमारे बात खाते, ये भी दिखाता है भारतीय समाज में नारी की स्थिति, खा बना खाना बनाओ तो खाओ बाद में। एक आदू को पकवान तो घट ही जाता अपने जब समय आते हैं, क्योंकि लास्ट में खाएगी तो कुछ घटेगा। दोनों आदमी खा लेते हैं, गर्मी का मौसम था, मच्छरों काट रहा था, छत पर जाके वार्तालाप करते हैं। कभी देखते हैं केवल मालती के दिनचर्या को देखते हैं कि बर्तन साफ करती है, फिर खाना खाती है, चूल्हा चौका साफ करती है, और जब सोने जाती है तो कभी क्या देखते हैं 11 बजे, मतलब 11 की खरकन के साथ 11 का घंटी बजा तब मालती कहां पहुंची, बेड पर सोने। तो ये जो रोज शीर्षक कहानी है आप निचोड़ क्या लिखे, मैंने तो पूरा कहानी लगभग आपके सामने रखा, अलग बात है कि आप लोग सीधे मुंह देख के समझ में आया नहीं, लेकिन जो हमको बोले वही कहानी है। आप कैसे लिखेंगे कहानी को अगर आपसे प्रश्न कर दे, रोज शीर्षक कहानी क्या भाव स्पष्ट करे, सौंदर्य स्पष्ट करे। आप देखिएगा जो रोज शीर्षक कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञेय के द्वारा आत्मकथ्य शैली में, मतलब आत्मकथा की शैली में लिखा गया एक प्रसिद्ध कहानी है। इस कहानी को प्रारंभ में मतलब 1934 में गैगरीन शीर्षक के नाम से छापा गया था, लेकिन वर्तमान में इसको मरोज के नाम से, इस रोज शीर्षक कहानी में कवि ने भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति है उसी स्थिति का चित्रण किया है। कवि ने इस कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश किया, बताने का प्रयास किया है कि विवाह के बाद महिलाओं के जीवन में क्या क्या चेंजिंग आता है। कवि ने बताया है, दिखाया है कि शादी के बाद महिला महिला नहीं एक मशीन बन जाती है, वह उसके परिवार के लोग उसको कमांड देते हैं, जैसे मशीन को हम क्या देते हैं कमांड, वैसे उसको क्या दिया जाता है कमांड दिया जाता है, और महिला उस कमांड को क्या करते फॉलो करती है, किस समय जगना है, किस समय बच्चों को क्या करना है, पूरे कमांड को फॉलो करती है, और अंत में सब काम खत्म करने के बाद सबके सो जगने से पहले जगती है, और सबके सो जाने के बाद क्या होती है, इतना करने के बाद उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी चूक पर थोड़ी सी गलती पर बार बार उसको अपमान झेलना पड़ता है, सहना पड़ता है। ये रोज शीर्षक कहानी के माध्यम से कवि हम सबको कहने का कोशिश की है।